बिल्कुल है, क्योंकि जो आज नशा फैल रहा है दुनिया में, बुराइयां फैल रही हैं दुनिया में, उसके लिए गुरुजी की बहुत दुनिया को जरूरत है आज। दोस्तों फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। इस वक्त मौजूद हैं हम डेरा सच्चा सौदा सलाबतपुर आश्रम के बाहर, जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुबह से साध संगत आ रही थी। बहुत ही पावन जो गुरुगद्दी महीना, इन्होंने साध संगत ने भंडारा मनाया। बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ कि किस तरह से इन्होंने आज का दिन जो ये सेलिब्रेट किया है, क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं क्या क्या इन्होंने काम किया है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार रेणसा। प्रवीण कुमार जी, हम सुबह से ही देख रहे हैं कि काफ़ी भारी तादाद में जो आज डेरा सच्चा सौदा के अंदर एक जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था गुरुगद्दी दिवस का, किस तरह से इन्होंने सेलिब्रेट किया, क्या क्या काम अंदर किए गए? जैसे हर बार गुरु जी के, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी का भंडारा होता है जी, और उसके बाद परमपिता सतनाम सिंह महाराज का भंडारा होता है, और आज जो पूजनीय का हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रे सिंह जिनसा हैं, उनका गुरुगद्दी महीना है, यानी महापौर उपकार दिवस। जो गुरु जी ने हमारे पर महापौर उपकार किया, उसका आज पूरा जश्न मनाया गया। जिस तरह के साध संगत ने मानवता वाले के कार्य किए, किसी ने अपने ब्लाकों में मकान बना के दिए, किसी ने राशन बांटा, और यानी जैसे आज डेरा सच्चा सौदा के 134 मानवता वाले के काम है, उससे अलग अलग काम हरेक ब्लाकों ने किए हैं। जी 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 जी। आज हम देख रहे हैं कि गुरु जी के ना रहने पर भी, गुरु जी समाज में नहीं है, फिर भी लोग इतनी उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ, जज्बे के साथ पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि गुरु जी ने हमारे पास जज्बा ही ऐसा दिया हमारे को सभी को, क्योंकि जो नाम कर मंत्र दिया है उससे हमारे को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, इसीलिए हमारे को खुशी भी मिलती है आने से। और गुरु जी हमारे पास ही हैं अंदर, यानी देह रूप में नहीं है, बखरी अलग बात है, पर देह रूप अंदर से हमारे गुरु हमारे पास ही हैं। जी जी। हाँ जी। हाँ जी। क्या क्या मानवता भलाई के काम, समाज भलाई के काम डेरा के द्वारा किए जाते हैं? जैसे बता दें कि हम मानवता भलाई के कार्य में 134 मानवता भलाई का लंबी लिस्ट है, नहीं बोल सकते ज़्यादा। तो जैसे मेन काम है खून दान करना, विद्या दान करना, नेत्र दान करना। जैसे आज भी मेरे जो पर्दी पहन रखी है, इसमें अभी हम एक हमारा भक्तपुरा ब्लॉक तपा बदौड़ में गांव है, उसमें भी अभी एक बॉडी दान करनी है, जो बाबा सिंह से उन्होंने बॉडी दान करने के लिए अभी भी जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग काम 134 मानव वाले काम डेरा सच्चा सौदा कर रहे हैं। गुरु जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा पर जो भी रूप हैं सब झूठे हैं। आज जरूरत है गुरु जी की समाज को? बिल्कुल है, क्योंकि जो आज नशा फैल रहा है दुनिया में, बुराइयां फैल रही हैं दुनिया में, उसके लिए गुरु जी की बहुत दुनिया को जरूरत है आज। जी 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 जी। तो किस तरह से वो गुरु जी लोगों का नशा ख़त्म करते थे, जो नशा आज मुद्दा बन चुका है समाज में, जो जड़ है, जो भी जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, दहेज प्रथा हो रही है या कुछ भी बढ़ रहा है, तो नशा ही सबसे बड़ी एक जड़ है। तो कैसे गुरु जी ने नशा ख़त्म किया? जैसे हमारे को गुरु जी गर्मंत्र देते ना, उस गर्मांतर में इतनी पावर है कि उससे सभी लोग नशा छोड़ जाते हैं। जो जितने भी बुराइयाँ कल युग में हैं, सभी बुराइयाँ उस गर्मांतर से छोड़ जाते हैं। जी जी, गर्मांतर में इतनी पावर है। लास्ट में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्या समाज को गुरुजी की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल कह रहे हैं भी हमारे गुरुजी की सभी दुनिया की जरूरत है, क्योंकि आज समाज में जितनी भी बुराइयाँ फैल रही हैं, गंदगी फैल रही है, उसके लिए हमारे गुरुजी अच्छी से देते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी की पूरी दुनिया का जरूरत है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को हम यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी को बाहर लेकर आएं, ताकि जो मानवता बढ़ाई के 134 गुरुजी कार्य कराते हैं, वो अपनी प्रेरणा से आके हम खुद करवाएं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। तो ये थे युवक जिन्होंने रियल फैक्ट बताए और बताया कि किस तरह आज डेरा सच्चा सौदा के अंदर गुरुगद्दी दिवस मनाया गया, और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच गुरुजी को लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।